वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरसु दुबे और आज हम फिर से एक अनबॉक्सिंग लेके आ चुके हैं। आज की अनबॉक्सिंग है वो है एक कूलर के ऊपर, तो लेके आते दिखाते हैं आप लोगों की वो कैसा है। गाइस ये है वो कूलर जिसके आज हम अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, दिखाते हैं आपको अनबॉक्स करके कि ये कैसा है। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि ये ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है आपको कूलर, और इसमें दो मैनुअल स्विच दिए गए हैं। पहला स्विच है वो है मोटर का और दूसरा स्विच है वो है फैन का। मोटर में आपको मिलता है ऑफ, स्विमिंग पंप, स्विमिंग और पंप। फैन में मिलता है आपको हाई, मीडियम, लो, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको प्लास्टिक की ग्रिल मिलती है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसके जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो है 70 लीटर की, और आपको इसमें वाटर लेवल देने को भी मिलेगा। यहाँ से जितना भर जाएगा उतना यही भर जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके प्लग की, तो 1 mm की इसकी लीड है 1.5 मीटर की, और ये 3 प्लग में आपको मिलता है। और इसके बैक साइड आपको हनीकॉम पैन देखने को मिलेंगे ब्राउन कलर के, जहाँ से आप इसे खोल के साफ सफाई भी कर सकते हो। बात करते हैं इसके मोटर की, तो 1400 RPM है और कॉपर की इसकी मोटर है, और इसकी जो मोटर है वो 30 फुट तक हवा फेंक सकती है, और इसकी जो वाटर की मोटर है वो है 150 वाट की, वो पानी खा सकती है 5 फुट तक, और इसकी जो हाइट है वो है 4 फुट, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, काफ़ी मीडियम है, ठीक है। बात करते हैं इसके वेट की, तो इसके अंदर 10 किलो इसका वेट। गाइस अब आपको इसको सब चला के दिखाते हैं कि ये कैसे आवाज देता है। गाइस ये है इसकी लो स्पीड, और ये है इसकी मीडियम स्पीड, और ये है इसकी हाई स्पीड। हाई स्पीड काफ़ी अच्छी है, मीडियम मीडियम के बराबर है, और लो लो के बराबर है, तो हाई स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और ये बाकी कूलरों से काफ़ी साइलेंट कूलर है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, और इसकी जो हवा है वो 30 फुट तक जाती है और पूरे कमरे में फैला देगी। इसके साथ आपको 4 टायर भी मिलेंगे, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। गाइस अगर आपको इसमें पानी डालना है तो आप यहाँ से पानी डाल सकते हो, बक्के से, बाल्टी से, होले होले, और यहाँ से पानी डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप पाइप के थ्रू डाल सकते हो, डायरेक्ट पाइप लगा के पानी डाल सकते हो, और इसके नीचे एक रबड़ की हुई है उसे निकाल के आप साफ सफाई करोगे तो उसे निकाल दें पानी निकल जाएगा। गाइस बात करें इसके लुक की, तो ये काफ़ी लुक इसका काफ़ी अच्छा है। गाइस अगर आपको ये परचेज करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, अगर आप वहाँ से परचेज करोगे तो वहाँ से पड़ेगा आपको 7500 रुपये का, और हमारे पास से लोगे तो ये पड़ेगा आपको 6500 रुपये का। हमें कमेंट करके बता सकते हो।